नमस्कार, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सेवानिवृत्ति की उम्र में हुई इतने साल की बढ़ोतरी। पिछले लंबे समय से कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इसमें बढ़ोतरी को अब मंजूरी दे दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि प्रांतीय सेवाओं में सरकारी होम्योपैथिक डॉक्टरों के सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी एलोपैथिक डॉक्टरों के सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टरों की उम्र 60 साल है, जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ ने होम्योपैथिक चिकित्सक एस के यादव की याचिका पर यह आदेश पारित किया। उन्होंने 31 दिसंबर 2021 को 60 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति के खिलाफ अदालत का रुख किया था और अब सरकार ने नहीं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है कि अब एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु जो कि 2017 में बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, अब होम्योपैथिक डॉक्टरों की भी उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। तो इस तरीके से होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी ये बड़ी सौगात दी गई है कि अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र में भी 2 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ।